हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसमें देखेंगे क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली, जिनके बारे में आप सोच रहे हो राइट नाउ, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, आपको लेकर उनके मन में दिल में क्या है, क्या कुछ चल रहा है। जो भी आप दोनों का सिचुएशन है मैटर नहीं करता, ठीक है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही है, फिर भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो कि जानने के लिए कि नेक्स्ट क्या होगा और आपके पार्टनर के मन की बात, दिल की बात बिल्कुल आप जान सको, ठीक है। और आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, फिर भी बिल्कुल इस रीडिंग को आप वॉच कर सकते हो कि नो कांटेक्ट में वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपकी सिचुएशन है, रीडिंग सब के लिए है। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग फ़िलहाल के लिए मैंने क्लोज कर दिया है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या है इनके पार्टनर के मन में, इनके पार्टनर के दिल में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या है करेंटली, क्या सोच रहे वो इनके बारे में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इनके साथ आपका टावर मोमेंट आया है, ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल सिचुएशन में हो, ठीक है, आप दोनों का पेनफुल एंडिंग हुआ है, आपके पार्टनर रीजन फैमिली को मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन को मानते हैं, थर्ड सिचुएशन को मानते हैं, जहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन गया जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट थी इनके लिए या रही है, ये लोगों ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने बातों में लाने की कोशिश किया, लोगों का ऐसा बिहेवियर था, ऐसा एक्सपेक्टेशंस था, ऐसा उम्मीद था कि आपके पार्टनर उनको चूज़ करे, आपके पार्टनर उनसे दूर ना हो या आपसे डिटैच हो जाए, आपसे अलग हो जाए, उनको चूज़ करे, ठीक है, उनका कहा माने, वो जो कहते हैं जैसा कहते हैं वही करें। और आपके पार्टनर ने वही किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, फैमिली से बात करना, फैमिली की रजामंदी नहीं होना, या किसी गॉसिप मुझे दिखाई दे रहा है, गॉसिप होती थी आपके रिश्ते को लेकर, बात होती थी, आर्गुमेंट्स होती थी, तो आपके पार्टनर आज दर्द में तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा किसी को ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। करेंटली आपके पार्टनर किसी को दोष दे रहे हैं कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा लव है, आज वो मुझसे दूर है, जिसके साथ मेरे कॉम्पिटिशन चाहा था, जिसके साथ मेरे फैमिली चाहा था, जिसके साथ मेरा ख्वाब था, ड्रीम था, जिसके साथ मैं कॉम्पिटिशन फील करता था, करती थी, जो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करता था या करती थी। हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा आपको हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, बिहेव करते थे, आप दोनों का ऐसा बिहेवियर था, ऐसा एनर्जी था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों फैमिली हो, वैसे ट्रीट करते थे, वैसे ही बात करते थे। मैंने यहाँ पर 333 देखा है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हो सकते हो या रिपीटेटिव नंबर आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 333 देखा और यहाँ पर मुझे 1010 दिखाई दिया है, ठीक है, जो नोटिस मैं अभी कर रही हूँ। तो आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल अभी भी, अगर मैं देखूं तो इनको कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहिए, अभी भी दिल के एक कोने में, मन में ऐसा है कि कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर का दिमाग कहता है कि नहीं, सब कुछ एंड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इन्हीं लोगों की वजह से हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, पर दिल ये कह रहा है कि कुछ उम्मीद बाकी है, वो मुझसे बात करेगी या वो मुझसे बात करेंगे या हमारे बीच कम्युनिकेशन होगी या मुझे करना चाहिए क्या, इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है अगर दूरियां हैं तो। और अगर आप दोनों के बीच दूरियां नहीं हैं, साथ में हो, तो आप दोनों के बीच फैमिली को लेकर कुछ हो सकता है, इनके फैमिली में, आपके फैमिली में, या दोनों के फैमिली में बात पता चल गई है, फैमिली तक पहुँच गई है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिले जुले, फैमिली देख लिया, फैमिली के किसी मेम्बर ने या किसी ने बता दिया, ऐसा भी मुझे चांसेस दिखाई दिया है, ठीक है, किसी एक के साइड प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ हुआ है यहाँ पर, फाइट, आर्गुमेंट्स,
किसी को डांटना सुनाना आपके पार्टनर को, आपको कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, किसी को ताना देना मैं ऐसे देख पा रही हूँ, पर हाँ यहाँ पर फैमिली को लेकर कुछ चल रहा है, ठीक है, जो कि टफ है, जो कि मुश्किल है, आसान नहीं है ये जो सिचुएशन है, इसे डील करना। आपके पार्टनर मुझे फियर में दिखाई दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दोनों का साथ छूट जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप चूज़ कर लो, ये चूज़ कर लें, तो आपके पार्टनर फियर में है अगर आप दोनों साथ में हो, ठीक है, भले आप दोनों के बीच कितना भी ज़्यादा हेल्दी गुड कम्युनिकेशन हो रही है, पर आपके पार्टनर फियर में है कि आपको खोना ना पड़ जाए, बिछड़ ना जाओ एक दूसरे से। और अगर दूर हो आप दोनों, तो आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, खुद को, किसी और को, आपको भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर नाराज़गी थोड़ी बहुत आपसे भी है इनके, ठीक है, कुछ लोग लिए आपके पार्टनर खुद से नाराज़ हैं, दुनिया से नाराज़ हैं कि इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, दुनिया में लव मैरिज हो रही है, फैमिली मार रही है, खुशी खुशी मार रही है, सब कुछ सही जा रहा है, साथ में है लवर्स, आगे बढ़ रहे हैं उनका कनेक्शन, जिनके बीच ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं होती, जिनके कनेक्शन में वो भी साथ में हैं या खुश हैं, हैप्पी हैं अपने पार्टनर के साथ, और इन्होंने तो आपसे इतना प्यार किया, आपने इनसे इतना टूट कर प्यार किया, आप दोनों का एनर्जी एक दूसरे के लिए, फैमिली के प्रति काफ़ी राइट थी, रही है हमेशा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ आप दोनों के साथ? यूनिवर्स बताए मुझे और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनके पार्टनर का सोच? ओ माय गॉड, आप ट्रिपल टेन देख पा रहे हो, डेफिनेटली इनके साथ आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। मुझे स्टार्टिंग में ही लगा कि जिनसे आप डील कर रहे हो कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, पर सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर टेन ऑफ सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो जिनसे डील कर रहे हो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं ये आपके, मैं कर्व तो देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि यूनिवर्स ने आप दोनों को सौंप दिया है, आप दोनों को ये पावर दे दिया है कि तुम दोनों चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, साथ में रह सकते हो, किसी को कन्विंस कर सकते हो, जो भी चाहो अपने लव लाइफ में कर सकते हो, ये पावर यूनिवर्स ने आप दोनों को दे रखा है। अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, तो आपके पार्टनर को कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है फैमिली में, आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच तो करना है, पर मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि किसी का सोच आपके पार्टनर बदलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कुछ उनको समझाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे काफ़ी मैच्योर पर्सन दिखाई दिए हैं ये, किसी को कुछ कन्विंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कुछ समझाना है, किसी का सोच बदलना है, इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इस सिचुएशन से डील करना आप दोनों के लिए आसान नहीं है, या तो एक दूसरे से डील करना मुझे सिचुएशन से दिखाई दे रहा है। मुझे ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्सन बिल्कुल लव रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बदलाव लाने के लिए सिचुएशन में रेडी है, और कोई एक पार्टनर चाहकर भी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके मन में सिर्फ आपका कनेक्शन ही नहीं, आप ही नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, फैमिली एक वक्त पर, और उनका जो सिचुएशन है, जो भी उनका हालात है, कि व्यक्ति उन सब के बारे में सोचकर कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को, बदलाव को, कंपटीशन को आपका वेलकम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो आप वेलकम नहीं कर रहे हो, इनको लव नहीं कर रहे हो, तो ये हर्ट है, चाहते हैं कि आप इनको लव करो, इनका वेलकम करो, इनको एक्सेप्ट करो, या आप
थोड़ा सा एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, और अगर ये रेडी नहीं है तो इनका हालात ही कुछ ऐसा है कि ये चाहकर भी खुद के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में, सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली यूनिवर्स, बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली, क्या इनको कहना है। तो दो मेजर अरकाना मुझे दिखाई दिया है, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट करेंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डेस्टाइंड पार्टनर हो डेफिनेटली, और अभी आप दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होगा वो होकर रहेगा। अगर ये आपकी डेस्टिनी में है या आपकी किस्मत में है, मैं ना ऐसा देख पा रही हूँ आपको वो मिल रहा है जो आपकी किस्मत में है, और वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली का सपोर्ट चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने कैरियर में, लव लाइफ में कुछ हासिल करना है आपको, या चाहते हो कि आपको मिल जाए, वो आपको देर सवेर मिल ही जाएगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, ठीक है। किसी का साथ आप पाकर रहोगे, किसी का साथ पाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये मुझे आपके हस्बैंड वाइफ दिखाई दे रहे हैं, बेबी इन्वॉल्व हो सकते हैं या बेबी है इनके साथ। तो आज आगे नहीं बढ़ रहा कनेक्शन या ठहराव आ गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार भी मत कीजिए। बस हाँ, इतना ख्याल रखिएगा कि आपका जो सिचुएशन है, आपका माइंड सेट है वो क्या है, क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, और निगेटिव है तो कैसा पॉजिटिव कर सकते हो अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को, कैसे आप खुशियों से भर सकते हो, कैसे आप निगेटिव एनर्जी से, डार्क एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सकते हो, और क्या बेहतर कर सकते हो। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़ें, सिचुएशन, तो सरेंडर कीजिए, और नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है, और एक बार अगेन कहना चाहूँगी, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। डेस्टिनी का यहाँ पर बड़ा रोल है आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो आपको कहा भी जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप इंतज़ार कीजिए कि यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, आपको वो ज़रूर मिलकर रहेगा जो आपका है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप काफ़ी स्ट्रांग हो, ये आपको मानना पड़ेगा, भरोसा होना चाहिए आप में। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।